नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 19 प्लस रूट के अंदर 29 प्लस रूट के अंदर 49 को सरल कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न देखने में जितना कठिन लग रहा है सॉल्व करने में उतना ही सिंपल है। ठीक है, तो आपने इस प्रश्न को देखा, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। अब रूट के अंदर क्या लिखा है, 49। जब रूट के अंदर 49 लिखा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा हमें 7, क्योंकि 49 का वर्गमूल क्या निकल के आता है, 7। तो हम सभी इक्वेशन को ज्यों का त्यों लिखते हुए यहां 5 प्लस यहां है 11, ये 19, ये 29 और 49 का क्या बन गया, 49 का बन गया 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 और 7 कितना हो जाता है, यह 36 हो जाता है। फिर से जीव का तुम लिखेंगे, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 36। ठीक है, अब इस 36 को सॉल्व करेंगे तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो लिख लेंगे यहाँ रूट के अंदर 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 19 और 6 को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 11 प्लस रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 25। अब 25 के जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर है 5, यहाँ 11 और एक यहाँ से क्या आ गया, 5। 11 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 16। तो यहाँ 5 और रूट के अंदर 16। 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या वर्गमूल निकल के आता है, 16 का वर्गमूल निकल के आता है 4। रूट के अंदर हो जाएगा 5 प्लस 4, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 9, और 9 का वर्गमूल क्या निकल के आता है, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर क्या आया, 3। ठीक है, आपने देखा कैसे सॉल्व किया, तो हमने इस साइड से इसको सॉल्व करते गए और हमारा आंसर मिल गया 3। यहाँ भी हम देखें तो यहाँ 49 लिखा था, आता 7, 7 29 में जोड़ते होता 36, 36 का बनता 6, 19 और 6 होता 25, 25 का होता 5, 11 और 5 होता 16, 16 से निकल के आता 4, और 4 और 5 होता 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।